सौभाग्यवती नारी जितना भगवत नाम स्मरण करती है, भगवत पूजन करती है, व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, अर्चना करती है, उस सौभाग्यवती नारी का किया हुआ दान पुण्य धर्म भजन कीर्तन स्मरण सेवा चाकरी उसके पति के भी काम आती है और उसके पुत्र और पुत्री के भी काम आती है। एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया आवाज पकड़ रहा है। एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया गया भजन पूजन स्मरण संकीर्तन नाम जाप नाम कीर्तन उसके पति के भी काम आ रहा और उसके बच्चों के भी काम आ रहा। देखिए कितना सुंदर शिव महापुराण में चरित्र आया है वृंदा देवी का कि वृंदा जितना नाम जाप करती है, वृंदा जितना नाम भजन करती है, वृंदा जितना नाम स्मरण करती है, उसके पति को उसका लाभ है। सोमवार के व्रत का अगर आप विधान देखेंगे, और हम तो कहते हैं केवल 16 सोमवार से ही मतलब मत रखो, आप माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन पूजन व्रत आराधना उद्यापन चाकरी दर्शन ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। पर उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, स्कंद पुराण कहती है कि आप व्रत को उठाएं। आपने व्रत उठाया, कहां उठाया? पति के घर से उठाया, ठीक है। आपने व्रत उठाया सोमवार का, 16 सोमवार का, पशुपतिनाथ का, या गुरुवार का, या मंगलवार का, या बुधवार का, जो भी व्रत आपने उठाया वो पति के घर से उठाया। अब आपका फर्ज क्या है कि व्रत आप अगर कर रही हो तो पति के घर का ही अन्न, पति के घर का ही जल, पति के घर का ही सुख आनंद महाराज हमको प्राप्त हो। अगर व्रत करने के दिन मालूम पड़े आपने कोई तीज का व्रत, छठ का व्रत, चतुर्थी का, कोई विशेष खास जो व्रत होता है, सोमवार सोमवार का व्रत, पशुपति व्रत, और आप अपने मायके चली गई और मायके का अन्न जल आपने ग्रहण किया, मायके का प्रसाद ले जाकर, मायके की थाली ले जाकर, मायके का पूजन का सामान ले जाकर आपने भगवान की आराधना करी, तो स्कंद पुराण कहती है